अगर आप कानून पढ़े जो एनआरसी का है, एक्ट पढ़े जो सीएए और एनआरसी के तहत पेरेंट एक्ट लागू होगा, है ना, सेक्शन 3, उसमें जो क्लॉज नंबर 1 है वो ये है कि 1 जनवरी 1950 तक जो हिंदुस्तान में पैदा हुए उन्हें हिंदुस्तानी माना जाएगा, शर्त ये है कि वो अपना पैदा होना साबित करे। तो ये तो कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, हम लोग जाहिल नहीं, हम लोग पढ़े लिखे अवाम हैं, पढ़े लिखे ख्वातीन हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, प्रिंसिपल, प्रोफेसर है इधर, और इसमें हमारे साथ पूरा यूथ है जो कॉलेज के लड़कियां हैं यहाँ आए हुए, कोई घर में काम करने वाले सर्वेंट्स नहीं है, वो जो घर में हमारे काम करते हैं वो बोल नहीं सकते, उनकी आवाज़ बनने आए हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, मगर फिर अगर आप कानून का इसी एक्ट, पेरेंट एक्ट क्लॉज नंबर 2 देखें तो वहाँ हमारे कागजात होने के बावजूद हमको अपाहिज बना दिया गया है। वहाँ क्लॉज आता है 26 जुलाई 1987 तक हिंदुस्तान में पैदा हुए लोगों को हिंदुस्तानी माना जाएगा, शर्त ये है कि वो अपने माता या पिता में से किसी एक का उसके साथ अटैच होना चाहिए। यानी मेरे सारे डॉक्यूमेंट है, मेरे सारे आईडीज है, मगर मुझे कैसे उन्होंने हैंडीकैप किया कि मुझे मेरे माता और पिता का अटैच करना पड़ेगा। तो ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, अब इतनी आवाम अंधी और बहरी गूंगी नहीं है कि इसे पॉलिटिकल इशू या हिंदू मुस्लिम फसाद की शक्ल दे वो। फिर उसके बाद इसी में पेरेंट एक्ट जो थर्ड, जो क्लॉज नंबर 3 है सेक्शन 3 के तहत, उसमें 2003 में सीएए जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में एक बदल किया गया और कहा गया कि अगर आपके माता या पिता हिंदुस्तान में नहीं पैदा हुए, देखिए सुनिए उनका कानून मैं बता रही हूँ, लॉ की किताब का है ये, तो उस कानून के तहत अगर वो घुसपैठिए है इल्लीगल तरीके से इंडिया में दाखिल हुए तो भी हम उन्हें शहरी मानेंगे, तो भी हम उन्हें इंडियन सिटीजन मानेंगे, ये कहा जा रहा है। अब जब हम वो ये साबित करना चाहते कि आप बताओ कि आप इंडिया में पैदा ही नहीं हुए, आपके माँ बाप, आप लोग कहीं और पैदा हुए और घुसपैठी हो, इलीगल तरीके से आए हो, तो वैसे ही हमारी सिटीजनशिप खतरे में पड़ जाएगी। तो ये जो कानून है जो बनाया गया वो भी पूरा प्लानिंग के तहत बनाया गया कि ना हमारे पेरेंट्स रह सके ना हम रह सके, एक फैमिली, पूरी फैमिली अपने आप को मतलब सिटीजनशिप साबित करने में नाकाम हो जाए, पूरी तरह तोड़ के रख दिया जाए, ये है उनकी पॉलिसी। और ये आपको भी पता होगा कि ये आज मोदी सरकार की उपज नहीं है, ये तो 1955 है, लॉ के अगर स्टूडेंट है तो वो जानेंगे कि हर कानून के आगे एनपीआर एनआरसी के आगे आएगा 1955, सीएए के आएगा 1955, मतलब वो वहाँ से शुरुआत की है। आप बहुत प्लानिंग के साथ आज इस सीढ़ी पर चढ़े हैं कि आप कामयाब हो गए, लेकिन शाहीन बाग जो है आपको नाकाम करेगा। हम हर हाल में आपकी इस डिमांड को मानेंगे ही नहीं, हम एनपीआर होने ही नहीं देंगे। चलो उन्होंने फॉल्स एनपीआर करा लिया, अब हुकूमत है, मशीन है उनके पास, जब वो फॉल्स तरीके से जीत सकते हैं तो एनपीआर रजिस्टर भी करा सकते, तो उनका अब हमारा जो प्लानिंग है वो 6 महीने के बाद का है कि अगर आप हमारा फॉल्स रजिस्ट्रेशन करने में कामयाब हो गए तो उसके खिलाफ हमारे पास भी प्लान है कि हमारा शाहीन बाग वहाँ एक्ट करेगा। फिर आप किसी को डिटेन नहीं कर पाएंगे, फिर आप किसी को डिटेंशन सेंटर में नहीं डाल पाएंगे। उन लोग को लगता है कि शाहीन बाग में आने वाली शायद खाला टाइप लोग हो गए जो आके बैठ रहे हैं, तो इस शाहीन बाग पे रोज का पैसा जो खर्च होता है वो उनके 500 के नोट से बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ जो खवातीन इतनी तादाद में, इनका डेली खर्चा 1 लाख है, तो मोदी के 500 की नोट क्या इसको पूरा करेगी? समझ में आ रही है आपको बात? तो ये ना वो खर्चा है जो हम सब मिलकर करते हैं, आवाम खुद कर रही है, क्योंकि है खाना नाश्ता सब कुछ है, दिन भर रहना है, रात भर इलेक्ट्रिसिटी पे करना है, पानी के टैंकर्स आ रहे। तो ये कोई मोदी हुकूमत को ये मैसेज देना कि नहीं कोई पॉलिटिकल इशू है, बल्कि जो कानून है इस काले कानून के खिलाफ हम खड़े। दिल्ली के शाहीन बाग को आप किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो एहतजाज कर रहे हैं वो लोगों को आतंकवादी बताया जा रहा है, वहाँ पर जो स्लोगन लगाए जा रहे हैं वो देशद्रोही स्लोगन्स वहाँ पर बताया जा रहा है, और वहाँ पर आपने देखा 30 जनवरी को वहाँ पर फायरिंग भी की गई, और जामिया में भी फायरिंग हुई और शाहीन बाग में भी फायरिंग हुई, तो इस तरह से एक डराने का माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है, तो इसको किस नज़र से देख? नहीं तो वो क्या समझ रहे कि फायरिंग कर लेंगे तो ये औरतें सब उठकर भाग जाएगी,
वो ये समझ रहे हैं ना। तो लेकिन ऐसे कितनी भी फायरिंग हो या वो कुछ कितनी भी प्रोपेगेंडा यूज करे, मगर हम सब ने ठान लिया कि अगर हमको मरना है तो डेफिनेटली हम वहीं पहुंचेंगे जहां हम मरना है, चाहे वो भिवंडी का शाहीन बाग हो या बॉम्बे का हो। तो जब ये यहाँ जो औरतें बैठी हैं वो ये सोच के बैठी है, तो वो 10 बार फायरिंग कराए या कुछ भी कराए या कैसे जो भी वो कर सकते हैं, वो सारे इख्तियार है और सारे इख्तियार तो इस्तेमाल करें, मगर हम उनकी किसी भी, और हम लोग ऐसे कोई स्लोगन नहीं लगाते ना, हम किसी को आतंकवादी कहते, हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट आर्टिकल 18(1)(b) के तहत हमको कानून इसकी इजाज़त देता है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें। ठीक है, मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, इसके लिए मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकती हूँ सब कुछ। तो ये इजाज़त है और हम उसका जो हमारा हक है वो इस्तेमाल करते हुए ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम किसी को आतंकवादी नहीं बोलते और ना किसी के गोली चलाने से डरते, क्योंकि हमारा यकीन ये है कि जहाँ मौत है हम वहीं पहुँचेंगे। चाहे अगर मेरी मौत दहलीब के शाहीन बाग में है तो मैं वहाँ पहुँचूंगी, और अगर यहाँ है तो यहाँ। तो हमको मौत का डर नहीं है, वो तो हर इंसान को आनी है, और जिसकी जो जगह मुकर्रर है वो तो हमारी पैदाइश के वक्त हो चुकी है, तो हमको उस चीज़ का कोई खौफ नहीं।